हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पर, विच इज़ अ पार्ट ऑफ फन अकेडमी। और मैं आप सभी के साथ आपकी अपनी मेंटर गौरी भट्ट एक बार फिर से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन में जुड़ चुकी हूँ, जिसको आप सभी लोग जानते हो। ये एज यू ऑल नो दैट, ये सेशन जो है आप लोगों का SBI थियो मेंस स्पेशल बैच है। तो इस बैच में एक बार फटाफट से आप सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। वेरी गुड मॉर्निंग, हेलो नितीश, गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग। एक बार जल्दी से सेशन को प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा, जितना स्पीड में हो सकता है उतनी स्पीड में जल्दी जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लो, क्योंकि सेशन आप लोगों का सुपर डुपर हिट होने वाला है। आज का सेशन की सीरीज जो है वो SBI PO मेंस को भी रिलेट करती है, तो दिस इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज फॉर यू गाइज। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द सेशन, ओके? सेशन को लाइक और शेयर कर दो, और एक बार मुझे कमेंट कर दो कि यस मैम वी आर रेडी। फटाफट से मुझे रेडी का कमेंट कर दीजिएगा। Come on, do it. Actually, मैं मेडिसिन लिया है ताकि हमारी जो ये खांसी कोल्ड एंड कफ है ज्यादा प्रॉब्लम ना करे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सेशन को स्टार्ट करते हैं फटाफट से, और लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा सेशन को, क्योंकि दिस इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके साथ ही साथ देखो यार, YouTube पे मेरी सारी क्लासेस फ्री हैं, ठीक है? YouTube पे कोई भी पेड क्लासेस नहीं है। YouTube पे सुबह का क्लास 9:15 पर है और शाम का क्लास आपका 4 बजे, तो डू नॉट फॉरगेट दिस, ओके? इन दोनों टाइमिंग पर जुड़ना जरूरी है। इसके साथ ही साथ कल से आप लोगों का 8 दिसंबर से 12:30 PM पर SBI PO मेंस स्पेशल बैच शुरू हो रहा है। इस बैच का सब्सक्रिप्शन जरूर से ले लीजिएगा गौरीटन कोड को अप्लाई करके, ठीक है? अनअकैडमी की किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए, फॉर एनी सब्सक्रिप्शन, आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन चाहिए, किसी भी कोर्स का चाहिए, आप सीधे प्रोसीड टू पे करो। जैसे ही आप प्रोसीड टू पे करोगे, आपको वहां पे गौरीटन कोड अप्लाई करना होगा, ठीक है? और देखो, दिस इज लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, है ना? ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ये जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप लोगों का स्कॉलरशिप टेस्ट कराया जाता है, और ये स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्टिसिपेट करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जितना ज्यादा आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाएंगे उतना आपके लिए बेटर होगा, ठीक है? तो बिल्कुल मत भूला करो इस चीज के लिए कि आप लोगों को किस किस पार्ट पर कहाँ कहाँ जुड़ना है और किस किस के साथ जुड़ना है, ठीक है? तो चलो, इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए अगेन आप लोगों को अप्लाई करना होगा गौरी 10 कोड को, ठीक है? ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट है गाइज, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है? स्कॉलरशिप टेस्ट है, आपको बहुत फ्रूटफुल होने वाला है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, ठीक है? चलिए, लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है, पहले क्वेश्चन का आंसर देना स्टार्ट करिए और बताइए कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आज मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लेकर के आई हूं, ठीक है? वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, बट इन क्वेश्चंस को आपको पढ़ना प्रॉपर है, क्योंकि देखो क्वेश्चन को पढ़ोगे तभी समझ पाओगे कि क्वेश्चन एक्चुअल में क्या कह रहा है, और एरर को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि एरर के क्वेश्चंस को आप पार्ट वाइज डिवाइड करते चले। जिस तरह से एग्जामिनर ने क्वेश्चन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, सेम उसी तरीके से आप लोगों को भी क्वेश्चन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। तो जरा स्टार्ट करिए बताना पहले क्वेश्चन का आंसर। नितीश ठाकुर, हेलो, चलो वेरी गुड, बैंग ऑन, आगे मुझे आंसर बताइए। सबके आंसर्स आने चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, सबके आंसर्स यहाँ पे आने चाहिए। सोचो आंसर क्या होगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन। वेल डन, गुड गोइंग। देखो सबसे पहली बात समझो क्या कह रहा है। इम्पोर्ट्स हैव फॉलन, हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है, सबको पता है ये बात, ठीक है? इम्पोर्ट्स हैव फॉलन 40% इन द फर्स्ट 9 मंथ्स, मतलब स्टार्टिंग के 9 मंथ्स में
इम्पोर्ट्स जो है वो गिरा कितने परसेंट, 40% तक। दिस फिजिकल, फिजिकल का मतलब होता है वित्तीय, जैसे हम कहते हैं ना फिजिकल, फिजिकल ईयर दैट मीन्स वित्तीय वर्ष, बट दिस हैज बीन मोर बिकॉज ऑफ लोअर कैपेसिटी एडिशंस देन हायर सेल्स ऑफ लोकली मेड मॉड्यूल्स और द लेवी टू सेफगार्ड ड्यूटी। आपको पता है गलती यहां पर क्या है, लेवी के साथ ऑफ लगता है, लेवी वर्ड के साथ हम हमेशा ऑफ को यूज करते हैं। क्लियर हुई बात, लेवी ऑलवेज टेक ऑफ आफ्टर इट, लेवी वर्ड के साथ या मॉड्यूल्स वर्ड के साथ आप हमेशा और हमेशा जो प्रेपोजिशन लगाते हो वो ऑफ को लगाते हो। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो चुका है, लेवी और मॉड्यूल्स ऑलवेज टेक ऑफ आफ्टर इट। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़े, 184 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आईबीपीएस क्लर्क पीओ और एसबीआई पीओ मेंस, आप लोगों के लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए एक भी सेशन आपका मिस नहीं होना चाहिए। ये क्लास डेली आप लोगों की 9:15 AM पर होगी, 9:15 पर। ये क्लास अभी दो थोड़े देर के लिए बीच में भी 9 बजे की होने लगी थी, बट कोई इशू नहीं है, अभी ये क्लास कितने बजे की होगी, 9:15 की होगी। ठीक है, तो हम वापस अपने टाइम पर आ चुके हैं, तो आप लोगों को भी टाइमली ज्वाइन करना है सेशन को। क्लियर, चल, when I was building, one of these had its nest underneath the house, and before I had let the second floor and swept out the shavings, would come out regularly at the lunch time and pick up the crumbs at my feet. Or there should be no error. Find out which option is going to be the right answer of the series. Very good. That's cool guys, बहुत ही बढ़िया। देखो ये सीरीज आप लोगों को एसएससी में भी फायदा करेगी, ऐसा नहीं है कि एसएससी के लिए ये बेनिफिट नहीं देगा, एसएससी के लिए भी ये बेनिफिट देगा, फॉर श्योर आपको बेनिफिट देगा। इसके साथ ही साथ ये बैंक के इस समय के लेटेस्ट एग्जाम्स को भी साथ देगा। देखो आप लोगों को पता है, अगर मैं बात करती हूँ एसबीआई के पेपर की जो भी हुआ है ना, या मैं बात करूं आप लोगों से आईबीपीएस के पेपर की जो भी 4 तारीख को होके चुका है 4 दिसंबर को, इसमें इंग्लिश का पार्ट बहुत आसान आया था, आप सभी मानोगे है ना, इंग्लिश का पार्ट बहुत ज्यादा इजी आया था। आपको क्या लगता है मेंस के बारे में आप क्या सोचते हो? एक मैं बात बता दूं, मेंस में ना आपसे कस के आपसे मेहनत करवाई जाएगी, मेंस में मेंस आपका टफ होगा। आप सभी लोग जानते हो कि अगर आईबीपीएस का प्री इजी आता है तो मेंस ऑफकोर्स हार्ड आता है ना। और अभी आईबीपीएस का एक पेपर आप लोगों का 11 दिसंबर को भी है ना, तो ये सेकेंड शिफ्ट का ये जो पेपर हो जाएगा, इसके बाद हम आपको टोटल पेपर के एनालिसिस देंगे, जिससे आपको नेक्स्ट 18 दिसंबर के पेपर में आसानी होगी। ठीक है, अब देखो यहां पे एरर क्या है, इस क्वेश्चन में जो एरर आप लोगों को दिखाई दे रहा है वो आपका डी पार्ट में है। बहुत प्यारा सा एरर है, बहुत छोटा सा, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल एरर है। आपको पता है क्या, कभी भी हम लंच टाइम के पहले, डिनर टाइम के पहले, ब्रेकफास्ट टाइम के पहले आर्टिकल्स को यूज नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा, जितने भी खाने की चीजें होती है ईटिंग के लिए है ना, हम कभी भी आर्टिकल का यूज उसके पहले नहीं करेंगे। लंच हो गया, डिनर हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, कुछ भी हो गया, आप आर्टिकल यूज नहीं कर सकते उसके साथ। ठीक है, क्लियर रहेगा पॉइंट एवरीवन? कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो कि हाँ मैम क्लियर रहेगा। चलो 185, फाइंड आउट वेरी गुड। एक बार लाइक और शेयर जरूर कर देना, अगर नहीं किए हो तो फटाफट से एक बार लाइक कर दो सेशन को और शेयर कर दो सेशन को। देखो ये मेरी और आपकी हमारी फैमिली है ना, हमारा काम है इस फैमिली को इंक्रीज करना डे बाय डे, और वो तभी होगा जब आप इस सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। आप जितने भी टेलीग्राम ग्रुप्स पे जुड़े हुए हैं, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हुए हैं, जहां कहीं भी आप लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग बस एक बार सेशन को शेयर करिए। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे एरर क्या है, क्या कह रहा है, द ऑटोमिक थ्योरी हैज बीन, थ्योरी आपका एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके लिए हमने सिंगुलर वर्ब को यहाँ पर पुट किया हुआ हैज बीन ऑफ प्राइसलेस वैल्यू टू केमिस्ट बट इट हैज मोर देन वन हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ द साइंस दैट अ हाइपोथेसिस आफ्टर हैविंग बीन यूजफुल इन द डिस्कवरी प्रेजेंट एंड द कोऑर्डिनेशन ऑफ नॉलेज has been replaced by one more in harmony with the letter of the discoveries. आपको पता है यहाँ पे छोटू सा एरर आया है. देखो एरर क्या हुआ है यहाँ पे, आपने डी पार्ट पे यूज क्या किया हुआ है, सिंपल से तरीके से समझना, समझिएगा. आपने यहाँ पर जब कभी भी हम कंपेरिजन वर्ड को यूज करते हैं या हम कंपेरिजन करते हैं, आप क्या यूज करते हो, वट डू यू थिंक, जल्दी से बताओ, सोचो और उसके बाद मुझे बताओ. वेरी गुड, हाँ ठीक है, आगे आगे बताइए मुझे. दैट्स रियली गुड. देखो सबसे इंपॉर्टेंट एरर जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया और अभी फिर से मैं डिस्कस कर देती हूँ आपके साथ, कोई भी सब्जेक्ट के पहले ध्यान रखिएगा, बिफोर सब्जेक्ट हम द इंग्लिश, द मैथ्स, द साइंस नहीं कह सकते हैं. हम किसी भी सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल्स को नहीं लगाते हैं, ध्यान रखना, सब्जेक्ट नेम के पहले हम आर्टिकल्स पुट नहीं करेंगे किसी भी कंडीशन में, ठीक है. आर्टिकल्स कभी भी सब्जेक्ट नेम के पहले नहीं लगता, द मैथमेटिक्स, द इंग्लिश, द साइंस, नहीं, बिल्कुल नहीं, हिस्ट्री ऑफ साइंस, क्लियर है, बात समझ में आई, वेरी गुड. चले 186 नंबर, बहुत बढ़िया, आगे बताओ, आगे यहां पे क्या होगा आपका आंसर. रशिया हैज रिस्पॉन्डेड बाय एक्सप्लोरिंग hypersonic delivery systems and theater systems while China has embarked on a modernization program to enhance the supervailability of its arsenal which is considerably small or there should be no error. Find out the right answer of this question. Come on guys, do it. लाइक नहीं किया है आप लोगों ने सेशन को, दिस इज एक्चुअली वेरी बैड. अगर आप लोग अभी भी इस सेशन को वॉच कर रहे हैं और बढ़िया तरीके से वॉच कर रहे हैं तो इट इज माय रिक्वेस्ट कि आप लोग एक बार प्लीज सेशन को लाइक कर दे, जल्दी से कर दे वो भी. आप लोगों को याद है कि जब हम कंपैरिजन करते हैं तब हम क्या यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के लिए आप क्या यूज करते हो, आप में से कितने स्टूडेंट्स मुझे ये बता सकते हैं. देखो कंपैरेटिव डिग्री के लिए हम ईआर का यूज करते हैं, जब कभी भी हम एक का कंपैरिजन दो के साथ करते हैं तब उस कंडीशन पे हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं. और सुपरलेटिव डिग्री का यूज हम कब करते हैं, जब हम किसी भी चीज का कंपैरिजन मोर देन टू के साथ करते हैं, मतलब दो से ज्यादा के साथ करते हैं, तब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं, दैट मीन्स ईएसटी डिग्री का यूज करते हैं, राइट. यहां पे जो आप कंपैरिजन कर रहे हो वो कंपैरेटिव फॉर्म में कर रहे हो, दो लोगों का कंपैरिजन कर रहे हो, तो आप यहाँ पे स्मॉलर यूज कर दोगे इन द प्लेस ऑफ स्मॉल. क्यों, क्योंकि देखो स्मॉल वर्ड जो है वो आपकी पॉजिटिव डिग्री है, स्मॉलर वर्ड जो है आपकी वो कंपैरेटिव डिग्री है, और स्मॉलेस्ट वर्ड जो है वो आपकी सुपरलेटिव डिग्री है. आपको पता है ना ये तीनों ही पार्ट्स किसके हैं, एग्जेक्टिव के हैं. एग्जेक्टिव में तीन डिग्रीज होती हैं, एग्जेक्टिव को डिग्री के हिसाब से जाना जाता है, एग्जेक्टिव डिग्री के बिहाफ पर ही बात होती है और एग्जेक्टिव में डिग्री ही आती ही है. तो तीन डिग्रीज होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री. पॉजिटिव डिग्री का यूज हम कब करते हैं,
जब हमें किसी की विशेषता को बताना होता है, या आप एक तरीके से कह सकते हो जब हमें किसी की क्वालिटी को एनहांस करना होता है. दिस बिल्डिंग इज वेरी ब्यूटिफुल, तो ब्यूटिफुल इज कंपेयर एग्जेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में. लेकिन कंपैरेटिव डिग्री का यूज हम कब करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री का यूज हम तब करते हैं जब हमें कंपैरिजन करना होता है मोर देन दो लोगों के बीच में. और स्मॉलेस्ट मतलब कि सुपरलेटिव डिग्री का यूज आप कब करते हो? जब आपको कंपैरिजन मोर देन टू में करना होता है, मतलब दो लोगों से ज्यादा में. ठीक है, क्लियर है? वेरी गुड. चलो आगे बताओ मुझे. 188, टेल मी, इन रीसेंट डेज China has conducted military drills and deployed large-scale military assets to the maritime area while officially celebrating Sridhar's meet in exploiting dispute energy resources in the sea. Or there should be no error. Find out the right answer. Come on, champion, do it. देखो नीचे ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को प्लेलिस्ट भी दी गई है. अगर आपका कोई भी सेशन छूट जाता है तो आप प्लेलिस्ट से उसको वॉच कर सकते हैं. ठीक है, प्लेलिस्ट पे जाओगे आराम से दिख जाएगा. और हाँ, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना. टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश बाय गौरी मैम. ठीक है, ये एक टेलीग्राम चैनल है. इस टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को क्लासेस की पीडीएफ, क्लासेस की लिंक, क्लासेस की हर एक इंफॉर्मेशन मिलेगी. तो डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन मी ओवर देयर. ठीक है, इंग्लिश बाय गौरी मैम. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिलवा दी है. चलो आंसर बताओ जल्दी से. राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? बहुत अच्छा है टॉपिक इसका, ये जो कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का बहुत अच्छा आया है. बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है. एक बात बताओ, सेंटेंस किस में चल रहा है? सेंटेंस किस में चल रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चल रहा है ना. तो आप डिस्प्यूट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों यूज कर रहे हो? इट शुड बी डिस्प्यूटेड ना. जब आपका सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चल रहा है, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो हम किसको यूज करेंगे? ईडी की फॉर्म को यूज करेंगे. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर यूज करोगे तो प्रेजेंट में चला जाएगा सेंटेंस, है ना. चलो 189 नेक्स्ट बताओ. एज अ फेयर मेजर टू कैटर टू द रिक्वायरमेंट of our employees during this complete lockdown situation, the company has devised a structure where all employees will be paid according to the work hours contributed while maintaining basic threshold, or there should be no error. Good morning, Avinash. देखो भाई, session को तो join करना mandatory है ना. वेल डन चैंपियन, वेल डन, वेल डन. चलो आगे बताओ. नीलू गुड मॉर्निंग. अब अगर देखो यहां पे फिर से एक छोटा सा और एरर है. ये एरर वैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है लेकिन फिर भी हम बता देते हैं. Devised word जो यूज किया है, दिस इज रॉन्ग. आप इसकी जगह किसको यूज करोगे? आप यूज करोगे devised word को. ठीक है, अब दोनों वर्ड्स में डिफरेंस क्या है समझिएगा. दोनों वर्ड्स में सबसे बड़ा डिफरेंस है, अगर आप डिवाइस वर्ड का यूज करते हो तो ये पार्ट ऑफ स्पीच नाउन की है. ये पार्ट ऑफ स्पीच कैसी है? नाउन की है. और ये रिफर किसको करती है? अ पीस ऑफ इक्विपमेंट को रिफर करती है. किसको रिफर करती है? अ पीस ऑफ इक्विपमेंट, किसी भी चीज के एक आधे हिस्से को. ठीक है, पीस ऑफ, छोटा सा जरा सा हिस्सा. ठीक, स्पेसिफिक पर्पस के लिए. अगर आप डिवाइस वर्ड का यूज करते हो, एस वाला, देन डिवाइस्ड वर्ड जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच कैसा है? वर्ब का है. और इसका मतलब होता है इन्वेंट अ प्लान. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इन्वेंट प्लान समथिंग, किसी चीज का प्लान करना या किसी चीज को इन्वेंट मतलब बनाना. ठीक है, तो दिस इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन डिवाइस एंड डिवाइस्ड. ठीक है, वेरी गुड. चल आगे बताओ. 190 वेरी गुड.
आगे बताइए आंसर. हैवी इंडस्ट्रीज, हैवी आपका क्या है? एग्जेक्टिव. इंडस्ट्रीज आपका क्या है? नाउन. हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ऑन थर्सडे इंट्रैक्टेड विद लीडर्स. किसके साथ इंट्रैक्ट हुआ? इंट्रैक्ट का मतलब होता है जब दो लोग बात करते हैं. इंट्रैक्ट विद लीडर्स फ्रॉम द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के सिद्ध सेक्टर, सेक्टर ने कहा नीड्स टू बी बॉट बैक ऑन व्हील्स. जरूरत है हमें वापस से फिर से उसी रफ्तार में आने की. इवन एज द इंडस्ट्री पिच्ड फॉर मेजर्स टू स्टिम्युलेट डिमांड एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग. टेल मी द राइट आंसर. अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से. ठीक है ठीक है. ब्रिंग का ब्रिंग कौन सी फॉर्म है? बी आर आई एन जी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सबको पता है ना? सबको पता होगा, आई एम श्योर अबाउट दिस. और बाय कौन सी फॉर्म है वर्ब की? ये भी फर्स्ट फॉर्म है. ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म होती है ब्रॉट. ठीक है, ये सेकेंड फॉर्म है. और बाय की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? बाय की सेकेंड फॉर्म होती है बॉट. बात समझ में आई? हाँ या ना? यस एग्जैक्टली, वेरी गुड. अब आपके पास चाहे ब्रिंग आ जाए चाहे ब्रॉट आ जाए, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कैरी समवन और समथिंग. किसी भी चीज को कैरी करना या किसी पर्सन को अपने साथ कैरी करना. और ये दोनों ही पार्ट ऑफ स्पीच कैसी हैं? वर्ब की हैं. बात क्लियर हुई? अगर आप बाय या बॉट इनमें से किसी भी वर्ड का यूज करते हैं तो बाय और बॉट वर्ब भी आपके वर्ब की पार्ट ऑफ स्पीच है. लेकिन इनका मतलब होता है ऑब्टेन. इसका मतलब लिख लीजिएगा, इसका मतलब होता है ऑब्टेन समथिंग, ऑब्टेन समथिंग बाय पेइंग मनी. किसी भी चीज को लेना उसके प्रति पैसे को दे करके, फॉर इट. ठीक है, जैसे मैंने मान लीजिए मार्केट से कपड़े खरीदे. जब मैंने मार्केट से कपड़े खरीदे तो उसके लिए मैंने कुछ पैसे पे किए. तो किसी भी चीज को खरीदना पैसे दे करके. और ब्रिंग या ब्रॉट वर्ड का मतलब होता है किसी चीज को अपने साथ आना. मैंने टमाटोज मार्केट से ब्रिंग किए, खरीदे. ठीक है, तो अब आप समझ ही गए होंगे कि एरर कहां पर है. ऑब्वियसली बात है एरर आपका यहां पर बॉट में है. बॉट मतलब होता है खरीदना किसी चीज को पैसे दे करके. बट हम खरीदने की बात तो कर ही नहीं रहे हैं, हम लाने की बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्री को वापस लाया जाए अपने उसी पाथ पर जिस पर पहले चल रही थी. तो इट शुड बी बॉट. जैसे अगर मान लो मैं अगर आपसे कहूं कि कोविड से पहले कोई भी बिजनेस हमारा बहुत अच्छा चल रहा था, अभी कोविड के दौरान पे बिजनेस बहुत लो हो गया, तो बिजनेस को फिर से उसी जगह पर लाने की जरूरत है जैसे वो पहले चल रहा था. तो बॉट होगा ना? क्लियर है? वेरी गुड. नेक्स्ट 191. कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? एक बार अगर क्लियर हो रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में येस और नो बोल दो और थम्स अप दे दो. कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को क्लियर हो रहा है वर्ड टू वर्ड तो एक बार प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में येस और नो बोल दीजिए. अ गवर्नमेंट अपॉइंटेड हाई लेवल पैनल, गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है हाई लेवल पैनल को, प्रपोज्ड डिस्क्रिमिनलाइजिंग मोर देन हाफ ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपाउंडेबल ऑफेंसेस अंडर द कंपनीज लॉ एज वेल एज लोअर मॉनिटरी पेनालिटीज फॉर वॉइटिंग अमिट ऑफ efforts to further improve the ease of doing business in the country. Or there should be no error. Find out the right answer. Find out guys. Very good. That's really cool. Aage answer bataiye. क्वेश्चंस के आज आप लोगों को अलग अलग वैरायटीज देखने के लिए मिलेंगी. बस आप लोगों को क्वेश्चन को पढ़ते जाना है, बताते जाना है. देखो यहाँ पे जो एरर है वो एक छोटा सा
और बड़ा ही अच्छा सा एरर है, वो भी हम बता देते हैं। फॉर वॉयलेटिंग नहीं होगा, इट शुड बी वॉयलेशन। इट शुड बी वॉट? इट शुड बी वॉयलेशंस। ठीक है, जैसे आप इसको वॉयलेशन करोगे ये आपका नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 192 नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। द चेंजेस आर एक्सपेक्टेड टू सिग्निफिकेंटली एनहांस द कॉन्फिडेंस ऑफ इंडियन कॉर्पोरेट्स इन द गवर्नमेंट रिजॉल्व टू प्रोवाइड ग्रेटर ईज एंड अकॉर्ड हाइएस्ट रिस्पेक्ट टू ऑनेस्ट वेल्थ क्रिएटर इन द कंट्री एंड रिड्यूस द बर्डन ऑन द जस्टिस सिस्टम। प्लीज टेल मी। देखो हजारों मिलेंगे आपको यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि लोग पढ़ाते नहीं हैं या लोग पढ़ते नहीं हैं, हजारों लोग मिलेंगे आप लोगों को। आपको उसको चूज करना है जो आपके लिए सही है। आपको ये लगता है कि हाँ जो सिर्फ बातें ना करके सिर्फ पढ़ा रहा है वो बेस्ट होगा ना आपके लिए, तो ध्यान में रखो चीज़ों को। अच्छा एक बात बताओ, जब कभी भी हम किसी के साथ पोजेशन लगाते हैं तो हम क्या करते हैं? पोजेशन की कंडीशन पे आप क्या करोगे? पोजेशन की कंडीशन पर हम हमेशा एपोस्ट्रॉफी कॉमा एस को लगाते हैं। किसको लगाते हैं? एपोस्ट्रॉफी कॉमा एस को लगाते हैं, जैसे कॉमा के साथ एस। इसको आप कब लगाते हो? पोजेशन के लिए। पोजेशन मतलब अधिकार के लिए, जब आपको ये दिखाना हो कि नहीं हमारा हक है, पोजेशन दिखा रहे हो। तो गवर्नमेंट के केस में यहां पर क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट्स, है ना? इट शुड बी गवर्नमेंट्स। क्लियर? अब देखो यहां पर पैटर्न चेंज हो रहा है, इस पैटर्न का ध्यान देना, पैटर्न क्या कह रहा है। एंड द फॉलोइंग क्वेश्चन, अ सेंटेंस इज गिवन डिवाइडेड इनटू द फाइव पार्ट्स। सेंटेंस को पांच पार्ट में डिवाइड किया गया है। ई पार्ट इज ग्रामेटिकली करेक्ट, पांचवे पार्ट को, आपके ई पार्ट को ग्रामेटिकली करेक्ट किया गया है। आउट ऑफ द अदर फोर पार्ट्स वन पार्ट कंटेन्स एन एरर, मार्क द ऑप्शन कंटेनिंग द पार्ट विद द एरर। अब देखो आपको करना क्या है, सेंटेंस को चार पांच पार्ट में डिवाइड किया गया है। ई पार्ट आपका एररलेस है, ये ऑलरेडी एररलेस है, बाकी के बचे चार पार्ट्स में से आपको एरर फाइंड आउट करना है। ठीक है सिंपली वही एरर फाइंड आउट करने वाला, बट अभी पैटर्न चेंज हो गया है, अभी पैटर्न चेंज हो गया है, तो आपको उस अकॉर्डिंगली करना होगा। ठीक है, चलो आंसर मुझे बताओ, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सेक्शन 494 ऑफ द क्रिमिनल कोड परमिट्स the arrest of a person who one finds committing an indicable offenses. Please tell me. Very good, very good. अच्छा एक बात बताओ, हाँ रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन का काम होता है दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस को जोड़ना। ठीक है, जिसमें हु वर्ड जो होता है वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है। हु वर्ड जो होगा वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाएगा, और सब्जेक्ट कौन होना चाहिए? पर्सन। Whom का यूज हम ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं। Whom का यूज हम किसके लिए करते हैं? ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं। तो यहां पे आपका who गलत है, यहां पे होना चाहिए आपका who, because we are talking about object, और ऑब्जेक्ट की कंडीशन पर who नहीं यूज होता, ऑब्जेक्ट के लिए whom यूज होता है। ठीक है, चलिए 194 नंबर। इफ यू आर प्लान्ड एडवेंचर एक्टिविटीज such as scuba diving and mountaineering, ensure that these are covered by your policy. Please tell me. अगर आपको लगता है कि यहाँ पे no error होगा, मैम कोई error नहीं है, किसी भी part पे नहीं है, तो आप comment में मुझे बता सकते हो कि मैम there is a no error. ठीक है, आप बोल सकते हो। सोचो, देखो बहुत अच्छा एरर है। आर के साथ
इज या एम और आर के साथ आप वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, मतलब आई एन जी फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। तो आर के साथ प्लांट तो हो गई नहीं ना, इट्स गोइंग टू बी प्लानिंग। क्यों? क्योंकि देखो पैसिव वॉइस में भी होता तो भी नहीं होता, पैसिव वॉइस में होता तो ये बॉज हो जाता, सेंटेंस चेंज हो जाता ना, तो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी नहीं है तब भी चेंज हो जाती वो, मतलब सेंटेंस प्रेजेंट में है तो आर के साथ वो आपकी कौन सी फॉर्म लगती है? आई एन जी फॉर्म लगती है, तो दैट मीन्स ए में आपका एरर हो गया, ठीक है। चलो आगे आते हैं 195। व्हेन वोटिंग एट पोलिंग बूथ देयर आर ऑफिशियल प्रेजेंट हु इंश्योर्स दैट ओनली द पर्सन एलिजिबल टू वोट एंटर्स द बूथ टू डू सो, प्लीज टेल मी। Very good. Subject क्या है इस sentence में? Officials. Subject आपका क्या है sentence में? Officials. और ये subject कैसा है? Plural subject है. Subject कैसा है? Plural है. तो वर्ब कैसी होनी चाहिए? प्लूरल होनी चाहिए ना, तो इट्स गोइंग टू बी इंश्योर। वर्ब आपकी कैसी होगी? प्लूरल होगी। जब कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल आता है, ध्यान दीजिएगा, उस समय हमारे सेंटेंस की वर्ब को भी प्लूरल होना पड़ता है, ठीक है। और वर्ब को जब प्लूरल करना होता है तो उसमें से एस और ईएस हटाना पड़ता है, और नाउन को जब प्लूरल करना होता है तो उसमें एस और ईएस एड करना पड़ता है। ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। चलो 196 जल्दी से बताओ। ही स्पेंट आवर्स वर्किंग विद द कॉपी डेस्क एंड न्यू डेस्क टू मेक श्योर दैट द हेडलाइंस वर आई कैचिंग एंड दैट द प्ले वॉज एप्रोप्रिएट। टेल मी गाइस, देखो IBPS की वोकैब क्लास मैंने चला रखी है, वोकैबलरी क्लास आप लोगों की भी चलती है, ध्यान दीजिएगा, वोकैबलरी क्लास आपकी 4 PM पे चलती है वाईफाई स्टडी 2.0 चैनल पर। तो जितने भी बच्चे SBI मेंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपका IBPS पीओ क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी 2 एग्जाम बाकी हैं आप लोगों के, तो वो सभी लोग मेरे साथ शाम को 4 बजे जुड़ेंगे वाईफाई स्टडी 2.0 चैनल पर, जहां पे हम सिर्फ और सिर्फ वोकैबलरीज की शॉर्ट ट्रिक्स बता रहे हैं, रूट वर्ड्स बता रहे हैं कि वोकैब को हम रूट वर्ड्स के साथ कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए, जरा आंसर को चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि आंसर यहां पर क्या होगा। इस सेंटेंस में अगर आप देखोगे ना, तो देयर शुड बी नो एरर, कोई एरर नहीं है, एक भी एरर यहां पर नहीं दिया गया है, ठीक है। इज इट क्लियर? चलो 197। With each model, the Japanese automakers are trying to make certain buyers get a car that offers better fuel economy but doesn't compromise on power and comfort. Tell me. Everyone, do it. Very good. बहुत 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 बढ़िया। आगे आंसर दीजिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। Very good. वेरी गुड। अब देखो यहां पे एरर क्या दिया हुआ है, बहुत अच्छा एरर दिया हुआ है, सिंपल एरर दिया हुआ है, आप आराम से जान सकते हैं। और आइए जरा इसी बात पर हम आप लोगों को बताते हैं कि एरर यहाँ पे कहाँ है, ठीक है। क्योंकि एरर को तो देखो जानना, आइडेंटिफाई करना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एरर आइडेंटिफाई करना
एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या किया जाए? क्वेश्चन आपको हो? वेरी गुड। एरर के आंसर्स आने चाहिए मेरे पास कमेंट सेक्शन में। आंसर्स तो कंटिन्यू आने चाहिए, आंसर्स तो नहीं रुकने चाहिए। देखो ये क्वेश्चंस जो है ना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सिनारियो भी रखते हैं आपके लिए। अगर आप इसको चेंज करते हो और आप इस पैटर्न से हैबिचुअल नहीं होते हो, आई वुड से दिस कि अगर आप हैबिचुअल नहीं होते हो तो आपके लिए कहीं ना कहीं ये एक प्रॉब्लम को क्रिएट करेंगे, अगर आप एग्जाम के पैटर्न से पूरी तरीके से अगर आप वाकिफ नहीं है तो। ठीक है, तो आ जाओ जरा देख लेते हैं कि राइट आंसर यहां पर क्या होगा। डी पार्ट पे एरर होगा, कॉम्प्रोमाइज्ड वर्ड को इट शुड बी कॉम्प्रोमाइज। ये आपका किस वर्ड में चेंज होगा? कॉम्प्रोमाइज में। क्यों चेंज होगा? क्योंकि डू डज डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाया जाता है। डू डज डिड के साथ हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। चाहे आप बात करो डू की, चाहे आप बात करो डज की, चाहे आप बात करो डिड की, इन दोनों ही तीनों के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है, आगे देखिए। अब आपको दी गई इस फ्रेज को चेंज करना है। ठीक है, आपको इस दी गई फ्रेज को चेंज करना है। ये फ्रेज अगर गलत है 110%, क्योंकि ऑप्शन आपके पास नो चेंज का तो रिक्वायरमेंट का है ही नहीं, है ना, तो दी गई फ्रेज ये गलत है। आपको बाकी के नीचे के तीन दिए गए ऑप्शंस में से चेंज करना है और नीचे के पांच ऑप्शंस में से आंसर को चूज करना है। तो फटाफट से आंसर्स को चूज करें और बताइए। टेल मी गाइस, बैंग ऑन। आज जरा देखते हैं कि राइट आंसर यहां पे क्या होगा, कितने बच्चे रेडी हैं। करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मतलब फर्स्ट ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। देखो कैसे, क्या बोल रहा है सेंटेंस? द चाइल्ड वेन डिनाइड अ चॉकलेट बिफोर डिनर, जब बच्चे ने डिनाई कर दिया चॉकलेट को डिनर से पहले लेने का, स्टार्टेड गेटिंग फिटेड इन द होप ऑफ गेटिंग हिज वे। दिस सेंटेंस टॉक अबाउट अ चाइल्ड बिहेवियर। ये सेंटेंस किसके बारे में बात कर रहा है? ये सेंटेंस चाइल्ड के बिहेवियर के बारे में बात कर रहा है। द सेंटेंस टॉक्स अबाउट अ चाइल्ड बिहेविंग इन एन अनरीजनेबल मैनर। क्यों? क्योंकि एक्सप्रेस इज फ्रस्ट्रेशन और एंगर, वो बच्चा अपनी फ्रस्ट्रेशन और एंगर को दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि ताकि वो अटेम्प्ट कर सके जो वो चाहता है। भाई आपको तो पता है ना, बच्चे अक्सर ये बात करते हैं, जब जो चीज वो नहीं पा पाते तो वो चिड़चिड़ाने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। तो यहां पर आपका जो वर्ड है फिट, और समझिएगा फिट वर्ड जो आपने यहां पे लिया है और टैंट्रम वर्ड जो लिया हुआ है, दोनों ही यहां पर एग्जैक्ट क्लियर है। क्योंकि मैं बताऊं, आर्ग्यूमेंट बच्चा नहीं कर रहा है, बच्चा आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा है, बच्चा फ्रस्ट्रेट हो रहा है, टैंट्रम दिखा रहा है ना। तो टैंट्रम इज द राइट वर्ड और एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर टू गोइंग टू बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? 191, ये आपका होमवर्क है, दिस इज योर होमवर्क नंबर वन गाइस। ये क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए। द ब्लिंक ब्लिंक ऑफ आईज, इसकी जगह पर आप इन तीनों में से किसको यूज करेंगे? द ब्लिंक ऑफ आईज इसकी जगह आप क्या यूज करोगे, इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देना। ऑप्शन नंबर वन आपका है ये। इसके साथ ही साथ ये होमवर्क नंबर टू है आपका, मेमोरीज विद की जगह क्या आएगा इन तीनों में से? होमवर्क नंबर टू। इन तीनों के आंसर्स मुझे दोनों क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। कमेंट में आप लोग मुझे इन दोनों होमवर्क के आंसर देंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ। इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट न्यूज बता दूं, आज 1 PM की क्लास आप लोगों की स्टार्ट होने जा रही है। ग्रामर बेस्ड क्लास होगी आप लोगों की, तो इसके लिए रेडी रहिएगा ग्रामर को करने के लिए मेरे साथ अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर।
और अनअकैडमी की किसी भी स्पेशल क्लासेस को ओपन करने के लिए आप लोग गौरी 10 कोड का यूज करिए। गौरी 10 कोड को यूज करेंगे तो स्पेशल क्लास आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट अटेम्प्ट कर पाएंगे। कल से बैच शुरू हो रहा है एसबीआई पीयू मेंस। अगर आप में से अभी तक कोई भी ऐसा चैंप है जिसने इसका सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो गौरी 10 कोड का यूज करके इसका सब्सक्रिप्शन जरूर से ले लीजिएगा। आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। अदरवाइज आप टेलीग्राम अनअकैडमी पर टाइप करके भी मुझे फाइंड आउट कर सकते हैं गौरी भट्ट, और मुझे शेयर फॉलो जरूर से कर लीजिएगा अपकमिंग क्लासेस के लिए, ठीक है। और अनअकैडमी के कोई भी सब्सक्रिप्शन आपको लेना है किसी भी फैकल्टी का, फॉर एनी सब्सक्रिप्शन, कोई भी कोर्स लेना है, कोई भी बैच को सब्सक्राइब करना है, कुछ भी, आप सीधे जाओ गेट सब्सक्रिप्शन पे, प्रोसीड टू पे करो, गौरी 10 कोड अप्लाई कर दो, ठीक है। अनलिमिटेड एक्सेस मिलेंगे। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब है कि आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप के एक सब्सक्रिप्शन से अनअकैडमी के किसी भी फैकल्टी की क्लासेस को कर सकते हैं आराम से, ठीक है, तो भूलिएगा नहीं। इसके अलावा आप अनअकैडमी पर अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, आप अपने क्वेश्चन को टैग करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, और साथ ही साथ रिपोर्ट एंड विन, अगर आपको लगता है कोई भी फैकल्टी आपको गलत पढ़ा रहा है या इनअप्रोप्रिएट पढ़ा रहा है तो नीचे दी गई लिंक के थ्रू आप उसकी रिपोर्ट एंड विन भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, मुलाकात करते हैं 1 PM पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, मेरे साथ जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा फ्री ऑफ कॉस्ट बैच के लिए। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। Do not forget to subscribe the channel, guys. Do not forget to like and share. PDF आप लोगों को Telegram group पर मिल जाएगी English by Gauri ma'am. Okay?